हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो हम बात कर रहे थे होल नंबर्स के, राइट? सो अब देखते हैं हम होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। राइट थ्री नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। इसके बाद के आपको तीन नेचुरल नंबर्स लिखने। तो जब आपको नेक्स्ट वर्ड आ गया ना, तो उसका मतलब आपको एक एक नंबर और बढ़ते जाना है, आगे ऐड करते जाना। तो सिंपल सी चीज है, 10999, इसमें हमने ऐड कर दिया 1, राइट? सो 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 10, 11000, राइट? नेक्स्ट नंबर चाहिए एक और, तीन चाहिए ना, अभी तो एक ही आया। सिंपल सा है, 100, अगेन फिर से एक और 1 ऐड कर दो, तीन नंबर चाहिए हमें, फर्स्ट सेकंड एक और चाहिए, सो दैट इज 2, राइट? ये तीन नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स हो गए। तो अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आपके पास, राइट? थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर, बिफोर है तो आपको माइनस 1 करना है, पिछले वाले में नेक्स्ट था तो प्लस 1 किया, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे आपका, 1 माइनस 1 0, एंड द रेस्ट डिजिट्स विल रिमेन एज इट इज। तो आपके पास आ गया 10000। फिर से तीन नंबर चाहिए ना हमें, 3 माइनस किया। अच्छा देखिए, अब बात आई जीरो में से 1 माइनस नहीं करोगे आप, तो आप क्या करोगे, कैरी करोगे। यहां से हम कैरी करना स्टार्ट करेंगे, ये रह जाएगा आपका 9, यहां आया 10, अगेन ये बन गया 9, यहां आ गया 10, अगेन ये बन गया 9, और यहां पे 10 आ गया। सो 10 माइनस 1 9, और बाकी 9 एज इट इज आ जाएंगे, राइट? अगेन एक और माइनस करना है हमने, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 9 माइनस 1 8, और ये एज इट इज। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस 1 किया था, इसमें हमने माइनस 1 किया था, कर तो वही चीज रहे थे, तो यहां होल नंबर्स और वहां नेचुरल नंबर्स क्यों, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो के बाद अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके। बस उन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो एक पहले ऐड कर दोगे, लिख दोगे, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। सो नथिंग टू बी गेटिंग कन्फ्यूज, सब कुछ सिंपल है। हर नंबर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, होल नंबर भी कह सकते हो, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि वो सिर्फ होल नंबर है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन। ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, राइट? अच्छा जी, अब यहां पे एक वर्ड आया है नंबर लाइन, वो क्या होता है, छोटी सी इंट्रोडक्शन। स्केल, हमारा स्केल होता है 0 1 2 3 लाइक दिस, 4 5 ऐसे ही होता है, उसके बीच में और भी होते हैं लाइनें पड़ी हुई, उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, अब आप देख सकते हैं क्लियरली, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। तो आप देखिए, राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो छोटे हैं, छोटे हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, 3 2 1 0 खत्म हो गया, यहाँ 3 4 5 बढ़ रहा है, राइट? तो मतलब लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं आपके, छोटे नंबर, और राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, बड़े नंबर। तो इनमें से आपको पूछ रहे हैं जो ये पेयर्स गिवन है, कौन सा नंबर लेफ्ट पे होगा, कौन सा नंबर राइट पे होगा, राइट? पहले तो इन दोनों में से देख लीजिए, छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। प्लेसेस की बात करें, इनमें कंपेयर करते हैं प्लेसेस से, 100th प्लेस ये है, 100th प्लेस ये है आपकी, 5 5 या दोनों पे सेम है। अगली प्लेस पे चलते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो कौन बड़ा है दोनों में से, 3 बड़ा है ना, ऑब्वियसली 0 छोटा है, तो 5 0 3 आपका कहाँ होगा, लेफ्ट में, राइट? अब बात करनी है हमें इन साइंस की, इधर हमारे पास 530 लिखा है, इधर 503, बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इस साइन का मुंह ओपन आएगा, ओपन एंडेड, राइट? छोटा होता तो क्लोज एंडेड आता। अब बात करते हैं इनकी 370 और 307 की, अगेन फर्स्ट प्लेस सेम है, नेक्स्ट प्लेस की बात करें अगर, तो यहां आपके पास 7 है, यहां आपके पास 0 है, तो छोटा कौन सा है, 307। सो 307 कहां रहेगा आपका, अगेन लेफ्ट में। फिर से ये नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ फेस ऐसे आएगा, राइट? नेक्स्ट की बात करते हैं, 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9, पहले तो डिजिट्स काउंट कीजिए, बराबर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम है जी। तो पहली, अब सब यहां से
इसी प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं, या 9 है वहाँ 5 है, यही क्लियर हो गया, 5 है छोटा है, राइट। तो ये आपका लेफ्ट में रहेगा, 5 6 7 8 9, ऑब्वियसली लेफ्ट पे है, छोटा है तो ये ग्रेटर है, फिर से ग्रेटर का सिंबल आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए इसमें फिर से आपने डिजिट, जब बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं तो पहले डिजिट्स काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कंपेयर नहीं करना, वही पता लग गया यहां पे 7 है वहां 8 है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा हुआ, राइट। तो ये छोटा है। अब 9 8 3 0 4 1 5 आपका कहां रहेगा, लेफ्ट में, राइट। तो ग्रेटर कौन सा, ये लेफ्ट पे है छोटा है तो ग्रेटर वो है। अब देखिए दूसरा साइन यूज हो गया, ये छोटा है इसकी तरफ इसका मुंह बंद रहेगा, राइट, उधर की साइड खुला रहेगा। देखिए जी क्वेश्चन है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप होल लिख दो चाहे नेचुरल लिख दो, क्योंकि आप तो स्टार्ट 32 से कर रहे हो, इसके बीच में जो नंबर आएंगे उनको आप होल भी कह सकते हो नेचुरल भी कह सकते हो, राइट। तो अब देखना इनके बीच में कितने नंबर हैं, दो तरीके हैं, जनरली काउंट कर लो 32 के बाद 33 34 35 36, ऐसे काउंट कर सकते हो, एक मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ। क्या करना है, एक्सट्रीम जो वैल्यूज है जिनके बीच में आपको नंबर चाहिए उनको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस 1 कर दो, एक नंबर कम कर दो, ये आएगा अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो 21, उसमें से 1 माइनस करोगे आपके नंबर आ जाएंगे 20। काउंट करके देख लेना सेम नंबर्स होंगे, राइट। तो इनके बीच में कितना है, 20 होल नंबर्स। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई जिसमें एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।